Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, you know we are doing our chapter how do organisms reproduce, and today we will discuss about the female reproductive cycle, which is known as menstruation cycle. So our today's topic is menstruation. आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक को लेके मेंस्ट्रुएशन के बारे में. नाउ व्हाट डज इट मींस, क्या मतलब है मेंस्ट्रुएशन का. यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. एज यू कैन सी दैट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल द पार्ट्स. आपको अच्छे से पता है कि सभी पार्ट्स कौन से हैं. दिस इज द ओवरी. दिस राउंड आलमंड शेप स्ट्रक्चर इज द ओवरी एंड विद द ओवरी दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब. इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब एंड दीज फैलोपियन ट्यूब्स आर कनेक्टेड विद अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूट्रस. सो दिस पार्ट इज द यूट्रस. सो दिस इज द यूट्रस पार्ट and this is the opening of this female reproductive cycle which is known as vagina. So this is the vagina part through which this cycle, this system opens outside. So ye to koi baat ek parts ki. Ab humne jab reproduction padha tha, fertilization humne padha hai, in which we can say that male and female gamete get fused for the fertilization. अब मेल गैमेट क्या होते हैं. दीज आर दी स्पर्म्स. हमें पता है मेल गैमेट्स आर दी स्पर्म. तो स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेंगे एंड दे विल गेट फर्टिलाइज विद द एग. वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं. एग के साथ फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे. इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि दैट फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज द फर्टिलाइजेशन. नाउ ये जो एग है, ये एग कहां फॉर्म हो रहा है. This egg is formed inside these ovaries. In the female, in the human female, especially अगर हम बात करें, in the human female, they have two ovaries or they have one pair of ovaries. These ovaries contain thousands of these follicles or the immature eggs in their ovaries before birth. That is very interesting or amazing fact कि जब भी एक baby girl born होती है, उसकी ovaries के अंदर already immature eggs present होते हैं. And when it reaches to its puberty stage, this egg start maturing. Eggs में maturation start होता है जब वो अपनी puberty age पे पहुंचती है. Due to the effects of the hormones which are secreted by the endocrine glands, and each ovary secretes one egg at the alternate months. मान लीजिए एक ovary ने एक month पे एक egg release किया है. Next month the another ovary will release the egg. तो इस तरीके से एवरी मंथ द एग इज रिलीज्ड बाय दिस ओवरी एंड दिस एग व्हेन इट्स रिलीज्ड बाय द ओवरी. यहां पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से एग फॉर्म हो रहा है. एग यानी कि हम इसे एक है ना फॉलिकल्स भी बोलते हैं. इट्स अ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें बीच में एग होता है और एग के चारों तरफ सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है. इस तरीके की एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर. सो दीज फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन साइड द ओवरी. ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स बनते हैं एंड व्हेन द टाइम ऑफ दिस रिलीज ऑफ दिस एग इज कम्स, देन दिस फॉलिकल गेट बर्स्ट एंड दिस एग विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस फॉलिकल इज रिलीज्ड. ये एग रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद कहां जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. आफ्टर द रिलीजिंग दिस एग गोज इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा and in the fallopian tube the most important process happens which is fertilization. The sperms will comes from this path. yahan se hote hue sperms jo hain wo female reproductive system mein enter karte hain and they finally reaches by crossing this vagina, cervix and uterus and they enter into the fallopian tube where the fertilization happen. फर्टिलाइजेशन हो जाता है. जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का और एग का, देन द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म इज नॉन एज जायगोट. सो जायगोट विल फॉर्म दिस जायगोट. यहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग और स्पर्म का. फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट फॉर्म होगा एंड दिस जायगोट इज नाउ मूव्ड टुवर्ड्स द यूट्रस. यूट्रस के अंदर एंटर करेगा, यहां पे मूव कर पहुंच जाएगा, यहां पे एंटर करेगा एंड हियर दिस जायगोट गेट इम्प्लांटेड.
जहां पे जायगोट इम्प्लांट होगा. हमें पता है इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ दिस जायगोट और दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन. सो इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट फॉर द 9 months दिस जायगोट विल डेवलप इन टू द फिटस और इन द एम्ब्रियो एंड विल डेवलप इन द मदर यूट्रस. सो दैट कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर. आई नो दैट इज दिस ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. मेंस्ट्रुएशन यहां तक हमने देखा कि कैसे एग रिलीज होगा, स्पर्म कब वेट करेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बन रहा है वो इम्प्लांट हो जाए यूट्रस के अंदर. इस चीज के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है. दिस cyclic event in which the egg is released, uterus is prepared and it's wait for the fertilized zygote. This cyclic event is known as the menstruation. एक reproductive cycle form होता है human females के अंदर, जिसके अंदर हर month same processes repeatedly revise होंगी या बार बार होती हैं और इसी cyclic event को हम menstruation बोलते हैं. अब क्या चीज है, सपोज आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है तो आप पहले से कुछ तैयारियां करेंगे. सेम थिंग इज हैपनिंग विद अवर बॉडी. यूट्रस इज प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड जायगोट. फर्टिलाइज्ड जायगोट को रिसीव करने के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है. अब प्रिपेशन से क्या मतलब है, यूट्रस प्रिपेयर करता है मीन्स इट बिकम द यूट्रस बिकम थिक. द यूट्रस की जो वॉल होती है ना, ये जो इनर लाइनिंग है, दीज वॉल्स ऑफ द यूट्रस दे बिकम थिक मस्कुलर मस्कुलर स्पॉन्जी एंड रिच विद ब्लड सप्लाई. और ब्लड सप्लाई से रिच्ड होती है, यहां पे बहुत ब्लड की सप्लाई की जाती है ताकि यूट्रस की जो दीवारें हैं वो तैयार हो जाए, यूट्रस की जो वॉल है वो रेडी हो जाए, सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस जायगोट कैन बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. सो दिस इज द प्रिपरेशन व्हिच इज डन बाय द यूट्रस टू रिसीव दिस जायगोट, दिस फर्टिलाइज्ड जायगोट. ओके, रिच्ड विद ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई, हम देख सकते हैं ब्लड सप्लाई से रिच होता है ब्लड. यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड भी स्टोर होगा, ब्लड सप्लाई से रिच होगा. इस तरीके से यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए. जब जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इस प्रिपेशन को वो यूटिलाइज करेगा. यहाँ पे फिटस ग्रो करेगा 9 months के लिए एंड इट विल टेक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इन साइड दिस यूट्रस फ्रॉम द मदर्स बॉडी. दिस इज द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हाट हैपेंस इफ द जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड, और वी कैन से इफ दिस प्रोसेस, दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस ना हो, स्पर्म या तो एंटर ही ना करें या फिर एंटर करने के बाद एग तक ना पहुंच पाए, और पहुंच भी गए तो उसे फर्टिलाइज अगर नहीं कर पा रहे, उस केस में क्या जायगोट बनेगा? No, zygote will not form if egg and sperm they do not fuse each other. यानी कि जिनमें इन दोनों का mixing नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, उस केस में fertilization नहीं होगा. Fertilization नहीं होगा तो zygote नहीं बनेगा. Zygote नहीं बनेगा तो यहाँ पे uterus की तैयारी करने का क्या फायदा? Uterus ने तो अपने आप को prepare किया है and it prepares itself every month. हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है सो दैट इट कैन रिसीव दिस जायगोट. बट इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपन तो जायगोट नहीं बनेगा, यूट्रस की प्रिपेशन का कोई फायदा नहीं होगा. एंड इन दिस कंडीशन दिस इनर थिक लाइनिंग, हमने यहां पे लिखा है ना, थिक वॉल बन जाती है, जो थिक मस्कुलर लेयर बन रही है, दिस इनर लाइनिंग, दिस थिक इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विद दिस ब्लड एंड विद द unfertilized egg, the all things are shed off. ये सब चीजें जो होती हैं, ये बाहर निकाल दी जाती हैं body के and they released out through this vagina and this process is known as menstruation. इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं menstruation. So we can say, अगर हम इस चीज की definition लिखें, menstruation का क्या मतलब है? The menstruation is the breakdown. The breakdown
breakdown and removal of the inner lining. Inner lining का मतलब होता है अंदर वाली layer. Inner layer को हम बोलते हैं inner lining. So this is the inner lining of the uterus which become thick to receive the fertilized zygote. So this inner lining is now no more required. जब fertilization ही नहीं हुआ, zygote ही नहीं बना, तो implant क्या होगा? इसलिए ये required जो inner lining prepare हुई थी, अब ये utilize नहीं होगी. So it will be released out the inner thick and soft lining of the uterus with unfertilized egg, and blood through vagina. So this is the process is known as menstruation. And this menstruation is a cyclic event. Means एक cycle की form में होता है, repeatedly होता है. Every month this process is really repeated. This menstruation is repeated. Means the menstruation हमने यहाँ पे जैसे definition लिखी है, the breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus with unfertilized egg. And blood vessels. Unfertilized egg क्यों है? क्योंकि egg तो ovary बनाएगी. Ovary prepare egg every month, हर महीने in alternate form में दोनों ovaries egg prepare करती हैं. But अगर वो egg fertilize नहीं हो रहा, तो वो egg भी dead हो जाता है. क्योंकि egg का भी एक time period है. एक time तक ही वो survive करता है, living रहता है. After that it gets die. तो ये जो डाई या अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसे बॉडी में नहीं रख सकती, और हमारा सिस्टम इसे बॉडी में नहीं रख सकता, बिकॉज इट्स सेल एंड इट्स अ डेड सेल, सो इट शुड बी रिमूव्ड आउट थ्रू द बॉडी. तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर निकलेगा, साथ में जो इनर लाइनिंग यूट्रस ने प्रिपेयर की थी फर्टिलाइज्ड एग के लिए, फर्टिलाइज्ड जायगोट के लिए, ये लाइनिंग भी, इनर लाइनिंग भी शेड हो जाएगी विद द ब्लड सप्लाई. And this is also known as bleeding. And this process is known as menstruation. This process ko hum bolte hain menstruation. As we said, that this menstruation is a cyclic event. The processes are repeatedly one after another. So ek bar dekhte hain ki is menstruation ki jo steps hain, jo phases hain, wo kaun-kaun si hain. In the phases of menstruation cycle. Menstruation cycle. The first phase is known as menstruation. Menstrual phase. लिख सकते हैं menstrual phase. The another phase or the second phase is the follicular phase. Follicular phase. मैं इन phases को अच्छे से explain कर रही हूं, but these are just to understand this complete process. Phases को हम इस process को समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं. Next ovulation, बहुत important है. This is ovulation phase. And the last one is the luteal phase. Now अब क्या हो रहा है, एक बार जल्दी से देखते हैं इन phases में actual में हो क्या रहा है. सबसे first phase is the menstruation phase or menstrual phase. This is the phase which starts from द फर्स्ट डे. हमने ह्यूमन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इस साइकिल को हम 28 डेज का साइकिल बोलते हैं. ये 28 डेज में पूरी साइक्लिक इवेंट कंप्लीट होती है. उन 28 डेज में से 28 डेज को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे सपोज ये दिस फर्स्ट डे हमने यहाँ पे बनाया, दिस इज द फर्स्ट डे. सो फ्रॉम फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे, फर्स्ट डे से लेके फिफ्थ डे तक का जो टाइम होगा, दिस फेज इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल फेज. दिस इज द फेज इन विच दिस थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विद अनफर्टिलाइज्ड एग एंड विद द ब्लड, द थिंग्स कम्स आउट. दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज. सो उस फेज को हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज. एंड दिस मेंस्ट्रुअल फेज
लास्ट फ्रॉम 1 to 5th डे, जो हमारे 28 डेज हैं, उन 28 डेज के फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक का जो टाइम होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइना के थ्रू ये चीजें बाहर आ रही हैं। इस फेज को हमने कहा मेंस्ट्रुएशन फेज। नेक्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, अब क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन फेज में अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर रिलीज हो गया, बट इन द फॉलिकुलर फेज द ओवरी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अनदर फॉलिकल्स, फिर से फॉलिकल्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है, एंड दिस फेज इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज को हम बोल रहे हैं फॉलिक्यूलर फेज, जो होती है 5 to 14th डे। इस टाइम तक, यानी कि हम फिफ्थ से लेके अगर यहां तक चले, दिस इज द 14th डे। एट दैट टाइम द फॉलिकल्स अगेन स्टार्ट फॉर्मिंग इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इन द फॉलिक्यूलर फेज। After that is the ovulation phase. Ovulation phase is the phase in which these follicles burst. Follicle burst ho jayenge, and after bursting they release the ova or egg. Egg ka release hona ya ova ka release hona, this process is known as ovulation. And this ovulation happens at the 14th day. Ye kab hota hai? Ye hota hai 14th day pe. 28 days ke menstruation cycle mein jo 14th day hota hai, उस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा, ओवरी से एग रिलीज होता है एंड इट रीचेस टू द फैलोपियन ट्यूब। सो दिस इज द ओव्यूलेशन फेज। एट दिस टाइम हम बोल सकते हैं कि साथ में अब क्या हो रहा है कि यूट्रस भी अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आ रही है, एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है या फॉलिकुलर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, यूट्रस अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ब्लीडिंग हो चुकी है, सब कुछ बाहर आ गया, अनफर्टिलाइज्ड एग, इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, एंड द फॉलिकल्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। इन बिटवीन द यूट्रस आल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यूट्रस फिर से प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है टू रिसीव द नेक्स्ट मंथ, टू रिसीव द नेक्स्ट मंथ्स एग, अगले महीने जो फिर से एग बनने वाला है उसे रिसीव करने के लिए, उस फर्टिलाइज्ड जायगोट को रिसीव करने के लिए। सो दिस इज द ओव्यूलेशन फेज इन विच द ओवा और ओवा ओव्यू द एग इज गेट released from the ovary. This process is known as ovulation. After that, the luteal phase. Luteal phase is the phase which lasts from 15 to 28 days. 15 से लेके 28 days का time होता है, वो कहलाएगा luteal phase. And in this luteal phase, the uterus become more thick, more spongy, more vascular. फिर से thick हो जाएगा, blood vessels से rich हो जाएगा, and जो ओवरी से एग रिलीज हुआ है उसके बाद ओवरी में इस रिलीज फॉलिकल्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये सब चेंजेस भी साथ में होते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट दस अगेन वी रीचेस ऑन टू द फर्स्ट फेज, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। अगर इस फेज तक फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्स्ट फेज नहीं आती, द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स और इट रिमेन्स सस्पेंडेड इफ फर्टिलाइजेशन हैपन एंड वुमेन गेट प्रेग्नेंट। अगर कंसीव करती है, प्रेगनेंसी होती है, उस केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अदरवाइज इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट हैपन आफ्टर दिस फोर्थ फेज, दिस ल्यूटियल फेज, द साइक्लिक इवेंट बैक टू द मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर से मेंस्ट्रुएशन होगा। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, 1 to 5th डे। सेकेंड फॉलिकुलर फेज, that is from 5th to 14th day time period in which the new follicles start forming inside the ovaries. Next is ovulation phase, in which the ova or egg is released outside the ovary. It's called ovulation and it's very important. It happens on the 14th day. Ye 14th day pe hota hai. And the last is the luteal phase. Luteal phase is the phase in which the uterus become thick, muscular, spongy and enriched with the blood supply. And these follicles, it change. इसके अंदर भी changes होते हैं. That all things happens during the follicular phase. After that, again the first phase is repeated. That is menstruation cycle. If fertilization do not happen, fertilization नहीं हुआ, तो 28 days complete होते ही फिर से menstruation start हो जाएगा. जो 1 to 5th day और 1 to कहीं कहीं आपको 1 to 3 days भी मिलेगा. But most probably chances is from 1 to 5th day this menstruation phase last और ये रहती है। So this is all about this menstruation, their menstruation or menstrual cycle, because it's a cyclic event and the cycle
पीरियड ऑफ दिस साइकिल इज 28 डेज. 28 डेज का साइकिल होता है एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन फीमेल. ओके, तो ये हमने बात की है इन सब फेजेस के बारे में, हमने यहां डिस्कस किया है. नाउ लेट्स डिस्कस टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद दिस मेंस्ट्रुएशन. वी नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज विद रेफरेंस टू दिस मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्के. मेनार्के, नाउ व्हाट डज इट मींस मेनार्के? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? दिस इज द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है और स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्के. उस एज को, उस टाइम को हम बोल रहे हैं मेनार्के, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा. और इस टाइम पे ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज पे. और वो टाइम कब होगा? इट्स 10 to 12 years. 10 से लेके 12 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है ह्यूमन फीमेल में, दैट इज नोन एज मेनार्के, इन विच द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हैपेंस और अकरेंस ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैपेंस. अनदर टर्म इज द मेनोपॉज. द सेकेंड टर्म विच वी हैव टू डिस्कस इज मेनोपॉज. मेनोपॉज, पॉज वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ पॉज हो रहा है. इट्स menopause is the stoppage of the menstruation cycle at the age of 45 to 50. 45 se leke 50 years tak ki age tak pahunchte hue jo menstruation cycle hai wo hona band ho jata hai due to the hormonal control, hormones ke control ki wajah se. And this stage is known as menopause at which the menstruation cycle stops. ठीक है, यहाँ पे परमानेंटली स्टॉपेज होता है. एंड इफ द वुमेन गेट प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट हो गई है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन अगर हो गया है, एट दिस स्टेज आल्सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डू नॉट हैपन. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है, उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप रहेगा, बट इट, और हम कह सकते हैं सस्पेंडेड रहेगा एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ तक टाइम के लिए. But in the menopause stage, the menstruation cycle stops permanently. Permanently stop ho jata hai. So these are the two important terms which you have to keep in mind. Menarche and menopause. And these are the phases of the menstruation cycle. Phases ke naam yaad nahi rehte, to koi problem nahi hai. But aapko ye pata hona chahiye ki is tarike se different days ke andar kya kya changes ho rahe hain human female body ke andar. And the most important is this ovulation phase which happens after at the 14th day of this cyclic event. So that's all about the menstruation.